Welcome back to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Sukla. Students, today's topic is syntax. You better know syntax. Correction of sentence. So, syntax is ट ए डेफिनेशन सिंपली प्रॉपर वर्ड एंड इट्स प्रॉपर प्लेसमेंट इन ए सेंटेंस सही शब्द का सही स्थान वाक्य में करना सिखाता हूं मैं सिंटेक्स सिंटेक्स में से डिसिप्लिन है अनुशासन है एक प्रकार का वाक्य रचना के लिए सो बॉयज अंडर द हेडिंग ऑफ सिंटेक्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट कर्ता वर्ब क्रिया एग्रीमेंट समझौता किस प्रकार एक वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच आपस में समझौता होता है वो किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ये आपको इस टॉपिक के अंतर्गत बताया जाएगा ये जो टॉपिक है कक्षा ग्यारह एवं बारह के लिए समान रूप से आवश्यक है दोनों के ही क्वेश्चन पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप तो सिंटैक्स के अंतर्गत पार्ट वन वीडियो आज देखेंगे ओके लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड सो सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट क्रिया एवं कर्ता के बीच में एक एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एक समझौता होता है सो द अंडर अंडरलाइंड रूल इज आपको ये याद रखना पड़ेगा इसे आप एक फॉर्मूले के तौर पे कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य में बर्ब का जो इस्तेमाल है वो सब्जेक्ट के अनुसार होता है सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करते हैं ये सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट है यही समझौता है इसी के संबंधित हम नियम डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा हो तो क्रिया कैसी आएगी सब्जेक्ट ना ये सारी चीजें टॉपिक के अंतर्गत बताई जाएंगी आपको सो सब्जेक्ट एंड बर्ब्स मस्ट एग्री विद विदर इन नंबर सिंगुलर प्लूर कि जो सब्जेक्ट है और क्रियाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से सहमत होना चाहिए किस में? मामले में नंबर के मामले में वचन के मामले में इट मींस इन अदर वर्ड्स इन सिंपल वर्ड्स कि यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी सिंगुलर सब्जेक्ट्स टेक सिंगुलर वर्ब्स अर्थात एक कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का हम प्रयोग करते हैं अगली लाइन में प्लूरल सब्जेक्ट्स टेक प्लूरल वर्ब्स अर्थात कर्ता के साथ हम वाक्य में बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं तो कहने का अभिप्राय है सरल शब्दों में कि जो नंबर सब्जेक्ट का होगा वही नंबर आपकी बर्ब का होगा सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन बर्ब मस्ट बी सिंगुलर इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन बर्ब मस्ट बी ऑफ प्लूरल फॉर्म दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट बर्ब एग्रीमेंट लेकिन आपको जो बेसिक चीज है वो याद रखनी है कि वब का प्रयोग सदैव सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है उसके पर्सन और नंबर के अनुसार लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर फॉर इंस्टेंस लेट अस टेक द केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस एफरमेटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के एफर्मेटिव केस बाकी को हम लेते हैं टेंस को लेते हैं उसमें हम देखते हैं क्या होता है इन दिस नाउन्स एंड वर्ब्स फॉर प्लूरल्स इन अपोजिट बेस इस जो टेंस है इसमें जो सब्जेक्ट हैं आपके अनाउंस हैं जो संज्ञा हैं और जो सब्जेक्ट के तौर पर जिन संज्ञा का यूज किया जाता है जो वर्ब है वो अपोजिट बेज विपरीत तरीके से प्लूरल बनती हैं जैसे यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है किसी बाक्य में कि, किसी वाक्य में यदि आपने क्या किया है सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है तो वर्ब में क्या होता है एस जोड़ देते हैं ये किस टेंस टेंस की की बात कर की बात कर कर रहे रहे हैं हैं प्रेजेंट दूसरा यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो नो एस ऑन द तो क्रिया में हम कोई एस नहीं लगाते हैं क्लियर हुआ आगे देखते हैं हम फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखते हैं सिंगल सब्जेक्ट प्लस सिंगल बॉइस यहां पर सिंगल का अभिप्राय आपका सिंगुलर सब्जेक्ट से है सिंगुलर जो मतलब है उसका सिंगल से ही बना हुआ है सिंगल का मतलब एक सिंगुलर का भी मतलब एक सिंगल सब्जेक्ट यदि आपका सिंगल सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगल बर्ब आएगी यहां पर देखिएगा सिंगल सब्जेक्ट आपका क्या है द डॉग उसके साथ सिंगल और बर्ब आएगी चीज इज द कैट

एस लगा हुआ देखिए यहाँ पे आगे चलते हम लोग अगली स्लाइड में अब यहाँ पे देखिए उन्हीं सब्जेक्ट्स को प्लूरल किया गया है तो बब भी आपकी प्लूरल होगी क्या होगा द डॉग्स ये सब्जेक्ट है आपका प्लूरल है कई कुत्तों की ओर इशारा है लेकिन बब आपकी उसी के अनुसार चीज आए चेज माने पीछा करना कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल आएगी वर्ब आएगी वर्क आएगा यहाँ पे विदाउट ए सीरियस यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका प्लूरल है सूजन एंड करन तो ये क्या आएगा यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी वॉइस तो यहाँ से इस स्लाइड से आप सीख सक, देख सकते हैं कि जो वर्ब का जो मूल रूप है वो सदैव प्लूरल फॉर्म में कहलाता है जैसे आप कहते हैं प्ले कम डांस प्ल फॉर्म uh, होता है ये इनका प्रयोग आप प्लुरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं सो गोट द्वाइंट अब चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड में अब हम देखते हैं जो अन्य क्रियाएँ हैं बी बी के अंतर्गत कौन आता है एज एम आर आता है डू हैव गो टीच इत्यादि इन क्रियाओं को हम हैं। देखते हैं इनमें देखते हैं उदाहरण आपको देखिएगा जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है द बैक सब्जेक्ट इज सिंगर तो इसके साथ आपने क्या यूज किया is. सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे एज यूज हुआ दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा बैक्स प्लूरल तो आपने क्या यूज किया आर आपको जैसा पहले ही बताया गया यही एग्रीमेंट होता है कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर बब मस्ट बी सिंगुलर इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द बब मस्ट बी प्लूरल यहाँ पे बैरी सब्जेक्ट हुआ आपका ये सिंगुलर है तो लेकिन डज ए ग्रेट जॉब बैरी एक महान महान कार्य है जॉब करता है दूसरा यहाँ पे देखिएगा क्या है बर्कर्स सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे डू यूज हो गया बर्ब के तौर पे नेक्स्ट आधे सिंगुलर सो हैज इसी प्रकार नेवर्स प्लूरल इसके साथ है सिंगुलर सो गोस बेला एंड डार्सी so प्लूरल सो so, प्लूरल फॉर्म ऑफ बर्ब पॉल सिंगुलर सो so, टीच इज सिंगुलर पॉल एंड मैरी सो बर्ब ऑफ प्लूरल फॉर्म तो so बॉयज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आगे चलते अगली स्लाइड में हम लोग एग्रीमेंट नंबर अभी आप, आपको हम देखिएगा आपको अपने आपको परीक्षण करना आप लोगों को ये समझना कितना आप सीख पाए अभी की स्लाइड से तो इसमें क्या है चूज करेक्ट फॉर्म द बॉयज सब्जेक्ट है इसके साथ आपको ये सोचना ए जाएगा कि यार आएगा बॉयज क्या है प्लूरल तो इसके साथ क्या आएगा आर आएगा बॉज के साथ क्या आएगा आर आएगा देखिए आप लोग बॉज के साथ आर आएगा इसी प्रकार बॉक्सेस क्या है प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है आर हैव इसी प्रकार एक्टर क्या है सिंगुलर है तो इसके साथ इज आएगा तो वाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब अगली स्लाइड में चलते हैं हम लोग समटाइम्स ए फ्रेज विल कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब बट डोंट लेट द कंफ्यूज डोंट लेट दिस कंफ्यूज यू कभी कभी क्या होगा कि जो आपका एक फ्रेज है फ्रेज को आप लोग समझ लीजिए फ्रेज है फ्रेज किस किसके बीच में आएगा वो सब्जेक्ट और तो वर्ब के बीच में आ जाएगा बट डोंट लेट दिस कन्फ्यूज यू लेकिन आप इस वजह से कंफ्यूजन में ना पड़े कि भाई किसके अनुसार फिर इसके अनुसार का फॉर्म आएगा सिंगुलर प्लूरल की सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार ही आएगा भले जो फ्रेज है वाक्यांश है वो सब्जेक्ट और बर्ब के बीच में आ जाए ध्यान रखिएगा आप लोग फ्रेज क्या है फ्रेज कहलाता है वाक्यांश हिंदी में कहते हैं इसको वाक्यांश तो मतलब ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट इन बर्ब ऐसा वाक्यांश ऐसा शब्दों का समूह जिसमें अपना कोई सब्जेक्ट ना हो और प्रिडिकेट अर्थात बर्ब ना हो क्या आपका फ्रेज कहलाता है सो यू स्टिल ओनली नीड द सब्जेक्ट एंड द बर्ब एग्री आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट और बर्ब को एग्री करना चाहिए अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार बर्ब आने चाहिए सिंगुलर इफ सब्जेक्ट इज प्लू शुड बी प्लूरल लुक एड एग्जांपल द स्टूडेंट्स एट स्कूल है यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इस एग्जाम्पल इस, इस में आपको क्या यूज़ करना है ये दिया गया है ये पूरा आपका देखा जाए तो सब्जेक्ट का पार्ट है लेकिन इसमें जो वास्तविक है वो क्या है स्टूडेंट आपको पहचानना पड़ेगा और ये क्या है फ्रेज कहलाएगा आपका एट स्कूल फ्रेज है ये फ्रेज है एक किसके बीच में आ गया है स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है और हैज हेजेब के बीच में आ गया तो स्टूडेंट के अनुसार स्टूडेंट चूंकि क्या है प्लूरल है इसलिए इसके साथ क्या आएगा बर्ब है क्लियर है इसी प्रकार मेंबर्स ऑफ क्लब यहां पे मेंबर सब्जेक्ट होगा ऑफ क्लब क्या है आपका फ्रेज है तो इसके अनुसार नहीं क्लब के अनुसार नहीं करेंगे यहां पे आप एट स्कूल के अनुसार नहीं करेंगे स्टूडेंट इस इसी प्रकार मेंबर्स के अनुसार यहां पे क्या आ जाएगा सिंगुलर वर्ब आएगी प्लुरल वर्ब आएगी तो मेक हो जाएगी बॉयस लेटस मूव टू नेक्स्ट लाइफ अब यहां पर देखना हमें वेन द पार्ट ऑफ ए कंपाउंड सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट आर ज्वाइंट बाई एंड ट्रीट द सब्जेक्ट इज प्लुरल इवन इफ इंडिविजुअल पार्ट आर सिंगुलर जब कोई आपका सब्जेक्ट कंपाउंड हो अर्थात दो चीजों से मिलकर बना हो और दोनों ही वो क्या हो भले वो दोनों क्या हो सिंगुलर हो उस दशा में आप जो वर्ब है उसको प्लूरल उस सब्जेक्ट को आप प्लुरल मानेंगे और प्लुरल वर्ब का ही यूज करेंगे बहुवचन करता होगा आपका वो बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे तो उसी के आधार पे आप देखिएगा जरा विथ सेंटेंसेस करेक्ट है डैनी एंड रोनाल्डो यहाँ पे डैनी एक शब्द हो गया एक, एक किसी लड़के का नाम हो गया दूसरा रोनाल्डो हो गया और जुड़े किस शब्द हैं एंड से ओके तो ये आप सब्जेक्ट इसको क्या मानेंगे आपका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल माना जाएगा आप प्लूरल सब्जेक्ट आपका हो गया तो किसके ए, किसके अनुसार आप ला, ए, ए, बर्ब लाएंगे प्लूरल प्लूरल फॉर्म लाएंगे बर्ब का तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है गेट्स होता है नहीं होता है कैट तो ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा आगे चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं इफ योर सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाई और किसके द्वारा इन दो शब्दों के द्वारा जुड़े हों और के द्वारा या नौर के द्वारा तो उस दशा में क्या करेंगे आप वेन दार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर ज्वाइन बाई और नोर लेट द सब्जेक्ट पार्ट नियरेस्ट द अबॉफ डिटरमाइन वेदर द बर्विस सिंगल ऑफ लूटर तो उस दशा में क्या करेंगे जो सब्जेक्ट का पार्ट जो सब्जेक्ट का हिस्सा क्रिया के नजदीक रखा होगा उसी के अनुसार आप वर्ब सिंगुलर पता करेंगे सिंगुलर यूज करना का प्लूरल अर्थात वर्ब के नज़दीक जो आया हुआ है उसके अनुसार आप यूज करेंगे यहाँ पे कि वो सिंगुलर एज सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब के नजदीक वाला तो सिंगुलर वर्ब लाएंगे प्लूरल है तो प्लूरल लाएंगे। लुक हियर अब इसी के आधार पर आप लोग देखेंगे भिस सेंटेंस आर करेक्ट आइदर द टेबल और द चेयर्स नीड्स मूविंग ये पहला सेंटेंस हम लोग टेकअप करते हैं या तो टेबल और अथवा चेयर्स तो चेयर यहाँ पे क्या है नज़दीक है तो इसके अनुसार क्या चेयर्स क्या है प्लूरल है तो बर्ब यहाँ पे क्या होना चाहिए था प्लूरल होना चाहिए था क्या होना चाहिए था नीड होना चाहिए था अर्थात ये सेंटेंस गलत है दूसरा बाग हम देखते हैं अब नाउ लेटस टेकअप सेकेंड सेंटेंस इसमें देखते हैं हम क्या है आइधर द टेबल और द चेयर्स यहाँ पे चेयर्स क्या है नज़दीक है उसके अनुसार नीट लगा हुआ तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट दिस इज रॉन्ग इसी प्रकार आईधर द चेयर्स नॉर द टेबल इसमें क्या टेबल लगा हुआ है बाद में उसके अनुसार ही बर्बाएगा नीड सही है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर टेबल के अनुसार नीड लगा है जो कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है यहाँ पर और नीड क्या हो जाएगा यह प्लूरल फॉर्म तो यह गलत होगा तो बज इस तरीके का ध्यान रखना है जब नॉर और अथवा नॉर के द्वारा जो दो सब्जेक्ट जुड़े जो हुए हों तो नॉर के बाद आने वाले जो सब्जेक्ट होगा अर्थात जो क्रिया के करीब जो सब्जेक्ट होगा उसी के नंबर के अनुसार हम अपनी बब का यूज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड अब इसमें है आपको ए, ए, ध्यान देना है डोंट ये देखिए पढ़िएगा जरा इग्नोर फ्रेजेज और क्लॉजेज दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड बव आपको उन वाक्यांशों अथवा उन उपवाक्यों को इग्नोर करना है ध्यान नहीं देना है जो कर्ता और क्रिया के बीच में आते हैं आपको सदैव फोकस करना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में सब्जेक्ट क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब शुड बी सिंगुलर इफ़ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब शुड भी प्लूरल तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग वाट डू बी प्लेस इन द गैप हेयर ज और हैव हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इसको तो जो पहला खाली स्थान है यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम है हैज याव द क्रैकड बिंड शील्ड इन एडिशन टू टॉन अपल्सरी एंड रस्टेड बॉडी देखिए यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या था क्रैक विंडशील्ड ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है ये जो पढ़ा हुआ आपका बीच में ये क्या है फ्रेस है, फ्रेस है। तो सब्जेक्ट आपका इसके अनुसार आएगा द करेक्ट विंडशील्ड तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा है जाएगा यहाँ पे ठीक है अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं दिस सेंटेंस इज करेक्ट योर कॉज प्रॉब्लम पे आपका जो सब्जेक्ट है वो होगा फॉरगेटिंग जो कि सिंगुलर है उसके अनुसार क्या हो जाना सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस एस इसमें लगा हुआ है इसमें नहीं लगा ये गलत है आपका ये सही हो जाएगा अर्थात फॉरगेटिंग योर टिकट कॉज इज प्रॉब्लम आगे चलते हम लोग अब अगला देखिएगा अगली क्या प्रॉब्लम है आपकी ग्रुप ज्यूरी क्राउड टीम एंड कमिटी कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट अर्थात आपको इन शब्दों का ख्याल रखना पड़ेगा ग्रुप ज्यूरी क्राउड टीम कमेटी इनका ध्यान रखना पड़ेगा इनका प्रयोग आप सिंगुलर के तौर पर भी हो सकता है प्लूलर के तौर पर भी हो सकता है बशरते क्या ध्यान रखना डिपेंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट सब्जेक्ट के कर्ता के अर्थ के आधार पर कि इनका प्रयोग सिंगुलर के सेंस में यूज़ किया जा रहा है कि प्लूलर सेंस में यूज़ किया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इसकी ओर ध्यान दीजिएगा द ज्यूरी हैज़ अवार्डेड कंपनसेशन टू द विक्टिम कि ज्यूरी ने जो विक्टम है उसको कंपनसेशन दे दिया अर्थात जो ज्यूरी वो क्या है कई इंडिविजुअल से मिलके कई व्यक्तियों से मिलकर एक ज्यूरी बनती है ग्रुप बनता है ये सारे जो हैं जितने भी ऊपर जो वर्ड दिए गए हैं नाउन्स दिए गए हैं सब क्या हैं ग्रुप नाउन्स हैं ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो तो इंडिविजुअल से मिलके बना होता है तो यहाँ पे क्या है सारे जो ज्यूरी मेम्बर हैं सब ने मिल के उसको कंपेन्से उस विक्टिम को कंपेंसेट किया है नेक्स्ट द ज्यूरी यहाँ पे देखिएगा समझिएगा उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है द ज्यूरी इज एक्टिंग एज वन यूनिट यहाँ पे ज्यूरी जो है वो एक यूनिट के तौर पे कार्य कर रही है यूनिमस है एक रूप है इस डिसीजन में जो विक्टिम है जो पीड़ित है उसको कंपलसीट करने के लिए द देयरपुर इज सिंगुलर जूरी इज एक्टिंग एज वन यूनिट एक यूनिट की तरह है इसलिए बर्ब सिंगुलर है नेक्स्ट द जी मेंबर्स हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर दिस यहाँ पे क्या है जो ज्यूरी मेंबर्स हैं वो आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं इस वजह से द जीवरी मेंबर्स आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल्स देयरफॉर द वर्ब इज प्लूरल ज्यूरी के जो सदस्य हैं वो आपस में क्या इंडिविजुअल की तरह एक व्यक्ति व्यक्तियों की तरह बहस कर रहे हैं आपस में आपस में ज्यूरी विद इन जो आपस में उनकी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है उनमें अंतर विरोध है इस वजह से बर्बिज प्लूरल यहाँ पे ज्यूरी मेंबर्स हैव बीन ऊपर जबकि हैज यूज़ किया गया तो दोनों का अर्थ देखना पड़ेगा जब यूनि यूनिमस हो कोई यूनैनी हो एक रूपता हो तो आप सिंगुलर व भी यूज करेंगे और जब अलग अलग हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो उस दशा उस दशा में आप यूज करेंगे फ्लूरल बर्ब का आगे चलते हैं बोज नेक्स्ट अब क्या है बर्ड सच एज मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स टिक सिंगर और फ्लूरल बर्ब डिपेंडिंग ऑन मीनिंग जब देखिएगा जैसे आपके जो सब्जेक्ट हुए चाहे मैथमेटिक्स हो फिजिक्स हो ये आपके जब सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे इनको तो ये सिंगुलर माने जाएंगे ठीक है सिंगुलर ही वर्ड यूज करेंगे जैसे मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट इस तरीके के इज लगाएंगे आप ठीक है फिजिक्स इज वेरी गुड सब्जेक्ट इस तरीके का इज लगाएंगे आर नहीं लगाएंगे उसके साथ लेकिन देखिए इसमें मैथमेटिक्स को दोनों में रखा हुआ तो आगे आपको क्लियर क्लैरिफिकेशन मिलेगा शब्द जैसे कि मैथमेटिक्स पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स टेक ए सिंगुलर इकोनॉमिक्स भी आपका क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है जब सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे तो सिंगुलर मानेंगे अन्यथा और डिफरेंट मीनिंग यूज करेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में यूज किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन मीनिंग डिपेंडिंग ऑन मीनिंग अर्थ के आधार पर जैसे पॉलिटिक्स इज ए इंटरेस्टिंग इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पॉलिटिक्स क्या है पॉलिटिक्स इज ए सिंगल टॉपिक एक टॉपिक के बारे में एक सिंगल टॉपिक माना जा रहा है इसको सब्जेक्ट के तौर तो पे माना जा रहा है देयरफॉर फोर सेंटेंस एज ए सिंगुलर वर्ब इस वजह से यहाँ पे सिंगुलर बब का यूज हुआ है इसका का यूज हुआ है पॉलिटिक्स इज यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स ऑफ द सिचुएशन यहाँ पे इन्होंने क्या किया आर यूज़ किया है क्यों किया है पॉलिटिक्स रिफर्स टू मैनी एस्पेक्ट्स क्योंकि जो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स शब्द है वो कई जो एस्पेक्ट हैं उनकी ओर इशारा कर रहा है कई देअर फोर द सेंटेंस हैज प्लूरल बर्ब इस वजह से जो इसमें बर्ब यूज की गई है वो प्लूरल है आगे चलते हैं कि इतना आपको समझ समझ में में आ रहा होगा, अब आगे चलते हम लोग। कुछ शब्द जैसे seizures, trousers हुआ, इन इनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है बहुवचन में होता है इस वजह से इनके साथ बहुवचन क्रिया आती है। आप, जैसे सीजर्स हो, कैची जैसे कहते हैं आप दो पार्ट्स में मिलकर बनी होती है ट्राउजर से आप भी देखिएगा पजामा जहाँ पहनते एक पैर इसमें एक इसमें एक लेफ्ट में डालेंगे एक राइट में डालेंगे दो हिस्सों से बना हुआ मिलके इसलिए इनको प्लूरल मानते हैं कुछ बर्ण, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्लूरल माना जाता है लेकिन हिंदी में हम कहते हैं कैंची लेकिन अंग्रेजी में इसको प्लूरल मानेंगे द सीजर्स आर ऑन द टेबल यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते सीजर्स इज ऑन द टेबल सीजर्स आर ऑन द टेबल बोलेंगे आर लगाएंगे इसके साथ ठीक है आर लगेगा आपका इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज पेयर जो नीचे अब उदाहरण दिया जा रहा है आपको नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा उसमें पेयर लगा हुआ है वो उसका इस वाक्य का सब्जेक्ट होगा बी सी दिस एज वन पेयर एंड देयर फोर द सब्जेक्ट इज सिंगर लेकिन यहाँ पे हम वन पेयर के तौर पे देखेंगे बन, तब इस वजह से सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सिंगुलर द सीजर्स आर प्लूरल ऊपर के एग्जाम्पल में जब देखिएगा जब सीजर्स अकेला यूज हुआ तो आर आएगा प्लूरल बर्फ आएगी लेकिन जब ए देयर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इज आएगा वो किसके अनुसार आएगा पेयर के अनुसार आएगा इस स्पीकर मोर देन पेयर हो तब सीजर्स आर ऑन दिल यहाँ पेयर लगा हुआ है तो बेटा यहाँ पे आर यूज किया गया है आपको ये ध्यान रखना होगा अब चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड में सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस कुछ एक वचन अनिश्चित अनिश्चयवादी जो प्रोनाउंस है वो दिए गए यहाँ पे द फॉलोइंग बर्ड्स आर ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड टेक सिंगुलर वर्ड्स जब इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर माना जाता है तो इनके साथ वर्ब भी सदैव सिंगुलर ही आएगी देख लीजिएगा आप लोग कौन कौन से हैं एनी वन एनी बडी एनी थिंग वन ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे जब सब्जेक्ट के तौर पर यूज किए जाएंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब इसी प्रकार एवरी वन एवरी बडी एवरीथिंग ईच समन समबडी सम थिंग आइडर नो वन नो बडी न थिंग तो ये सब क्या है सिंगुलर माने जाएंगे जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पे आप यूज करेंगे उ, उसी के अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगी आप लोग देखिएगा जरा अभी इधर ये पहला एग्जाम्पल्पल ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क इन लाइब्रेरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट आपका क्या है ईच है और उसके अनुसार वर्क ए जाएगी ये आपका बीच में क्या माना जाएगा ये फ्रेज कह सकते हो ऑफ द स्टूडेंट कह सकते हो लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जब आपका सब्जेक्ट इस तरीके के बना हुआ हो तो बीच में जो प्रिपिशन दिया गया है उसके पहले का पोर्सन को आप सब्जेक्ट मानेंगे ज़्यादातर स्थिति में यही होता है कि प्रिपोजिशन के पहले का जो पोर्सन होता है वो सब्जेक्ट होता है आपका इसी प्रकार नाइदर ऑफ द टेबल इज लेट तो नाइदर यहाँ पर देखिए ऊपर दे की, की लिस्ट में दिया गया है सिंगुलर माना जाता है इसलिए इसके साथ कैसी वर्ब यूज हुई है सिंगुलर वर्ब ए आया हुआ है आर नहीं आई है ए आया हुआ है अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में प्लूर प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस बहुवचन अनिश्चय जो होता है अनिश्चयवादी जो सर्वनाम है उनके अनुसार वो कौन कौन से हैं द फॉलोइंग प्लूरल वर्ड्स आर रिलेटेड एज प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड प्लूरल वर्ड्स जो नीचे दिए गए हैं वो क्या प्लूरल प्रोनाउन है उन्हें प्लूरल बहुवचन कर्ता के तौर पे मानेंगे हम वो बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग करेंगे वो कौन कौन से हैं आपके सेवरल फ्यू बोथ मैनी अब एग्जाम्पल देखिएगा सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आर शब्द आया हुआ है वो किसके अनुसार आया हुआ है सेवरल के अनुसार हमने कहा था कि ऑफ बीच में लगा हुआ सब्जेक्ट आपका एक कहलाएगा इधर का पोर्सन वॉइस क्लियर है इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में अब चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे टास्क यहाँ पे आप लोगों को खुद करना है आपके लिए लेसन के अंत में ये आपको खुद देखना कि कितना सीखें आप जरा देखिएगा पहला पहला जो सेंटेंस है उसमें आप लोग साथ में काम कीजिएगा द बिग ट्री विद ऑल ट्रिमिंग्स द होलीडेज स्पेशल तो यहाँ पे आपको ये देखना कि इसमें से आप किसको यूज करेंगे मेक को यूज करेंगे कि आप मिक्स को यूज करेंगे ये देखना है सब तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा सब्जेक्ट आपका क्या है देखो बर्फ के पहले तो पूरा पोर्शन ए रखा हुआ है पूरा पोर्शन ए ही रखा हुआ है अब इसमें आप ट्रिमिंग्स करते हैं तो उसके अनुसार मेक आएगा क्योंकि ट्रमिक क्या है प्लूरल है लेकिन जो वास्तविक सब्जेक्ट हमने क्या बताया आपको वो क्या होगा द बिग द बिग थ्री ये सब्जेक्ट होगा थ्री क्या है सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर फॉर्म बर्ब आएगी तो ये क्या सही हो जाएगा यहाँ पे मेक्स इसी प्रकार यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपका ये है माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये क्या है प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या होनी चाहिए प्लूरल क्यों होना चाहिए तो क्या हो जाएगा एंजॉय यहाँ पे सही होगा नाइदर द डायरेक्टर और एक्टर्स यहाँ पे देखिएगा दो हैं सब्जेक्ट आपके डायरेक्टर और एक्टर्स लेकिन बर्फ के करीब कौन रखा है एक्टर्स रखा हुआ तो उसके अनुसार क्या आएगा आर आएगा क्योंकि ये एक्टर्स क्या प्लूरल है और आर आप भी आपका प्लूरल होता है अगला देखिए नाइदर द एक्टर्स और डायरेक्टर इसमें दो सब्जेक्ट हैं आपके एक्टर्स है तो और डायरेक्टर डायरेक्टर सिंगुलर है जो बर्फ के नज़दीक होता है जब एक इससे जुड़े हों नाइदन और आइदर आइडर और नाइदन और से जुड़े हुए हों तो जो बाद वाला जो आपका नाउन होता है उसके अनुसार ही आता है डायरेक्टर क्या है सिंगुलर है तो इसके अनुसार ये जाएगा सिंगुलर होगा आएगी ठीक है आगे चलते हैं हम लोग इसी प्रकार आप देखिएगा इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा पहला देखिएगा जरा द कमेटी दैट वेटिंग अंटिल एवरी वन अराइव इज इम्पोर्टेंट ये कमेटी का पूरा मत है तो यहाँ पे क्या है सिंगुलर के तौर पे माना जा रहा है एक मत में है कमेटी आपकी तो यहाँ पे क्या आएगा सिंगुलर आएगी बिलीफ द कमेटी फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ सिटी देखिए कमेटी अलग अलग हिस्सों से आती है अर्थात कमेटी के जो मेंबर है वो अलग अलग हिस्सों से अलग अलग के तौर पे देखा जा रहा है सेपरेट देखा जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा इस कमेटी को हम क्या मानेंगे पी मानेंगे यहाँ क्या मानेंगे एस सिंगुलर क्योंकि तो यहाँ पे एक मत है यहाँ पे क्या है अलग अलग जगह से आ रही वो कमेटी अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग जगह में रहते हैं अलग अलग ऐसे आ रहे हैं इस वजह से इसे हम मानेंगे प्लूरल तो इसके साथ क्या जाएगा कम आएगा ईच ऑफ दीज ओपेरा सिंगर्स रेगुलरली अब यहाँ पे हमने क्या बताया था ऑफ बीच में लगा हुआ लेकिन सब्जेक्ट आपका ए माना जाएगा ईच माना जाएगा ईच क्या है सिंगुलर माना जाता है एक की ओर सारा होता तो इसके साथ क्या जाएगा हिट्स ईच ऑफ दो ओपेरा सिंगर्स रेगुलरली हिट्स नोट्स हाई एनअ टू ब्रेक ग्लास द पेयर ऑफ ट्यूजर्स हमने कहा था ट्यूजर्स प्लूरल है लेकिन पेयर ऑफ जब लगा देते हैं किसी के साथ तो वो सिंगुलर बनाए एज आ जाएगा इसी प्रकार लेकिन ट्यूजर्स क्या है ए पी है जबकि यहाँ पे जो आपका पेयर था उसको सिंगुलर बना रहा था सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे एज आया हुआ था यहाँ पे ट्यूजर्स प्लूरल है इसलिए यहाँ पे आर आया हुआ है ठीक है बॉयस बात इतना आप लोग इसका रिविजन कीजिएगा और देखिएगा बॉयज़ आप सब कुछ इसी वीडियो लेक्चर के द्वारा इस ऑडियो लेक्चर के द्वारा नहीं सीख जाएंगे आपको साथ में किताबों की मदद लेनी पड़ेगी तो आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार वीडियो को देखिए और किताब पे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा जो आपकी ग्रामर की वो तो सिंटेक्स का ये वाला सब्जेक्ट वर्ग बर, वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक जरूर पढ़िएगा आप लोग आगे हम जारी रखेंगे बॉयज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड प्रमोट द चैनल Thank you, boys. Thank you very much.